फिल्म में एक आर्गुमेंट बिल्ड करने के लिए एक स्टांस लिया जा सकता है कि कौन से वो कंट्रीज हैं जो कि बेसिकली वेपन्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं इसराइल को, और किन कंट्रीज ने इसको स्टॉप कर दिया। अगर हम देखें तो बेसिकली आपको 3 से 4 कंट्रीज जो हैं वो पेशरफ्त नजर आएंगे इस रेस के अंदर, जो इसराइल को टैंक से लेकर F-35 जो बॉम्बर है वहां तक उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी वगैरह भी शेयर की जा रही है। उनमें आपको नंबर 1 पे सरे फहरिस्त जो है वो अमेरिका नजर आएगा, 68% जो वेपन्स है आर्टिलरी जो है वो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है फॉर द जीनोसाइड इन गाजा। इट्स मीन्स दैट कि वो कंट्री जो हमेशा बात करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो हमेशा बात करता है लिबर्टी के बारे में, जो हमेशा बात करता है सीज फायर के बारे में, जो हमेशा बात करता है जंग के ना होने के बारे में, कहां है वो सब झूठ था। क्या कार्ल मार्क्स जो कहते थे, क्या वो ठीक था कि ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इटली की बात कर लें, इटली ने, जापान ने और बेल्जियम ने, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने वेपन्स जो है सप्लाई इसराइल को स्टॉप कर दिया।